बॉलीवुड को लेकर इन दिनों बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। इस पर कई कलाकार अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बॉयकॉट की वजह से फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। अब दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बॉयकॉट ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन सहित कई बड़े बजट की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। पंकज ने सिद्धार्थ कनन से फिल्मों के नहीं चलने और बॉयकॉट कल्चर पर बातचीत की। सिद्धार्थ कनन ने पंकज त्रिपाठी से पूछा कि कोरोना महामारी के बाद के दौर में फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं। इस पर पंकज ने कहा, हम क्या बना रहे हैं और हम इसे कैसे बना रहे हैं, इसके बारे में आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये जरूरी भी है और यही कमी है। इसके बाद पंकज ने बॉयकॉट ट्रेंड पर अपना पक्ष रखा। पंकज त्रिपाठी ने कहा, अगर कोई फिल्म खराब है तो वो नहीं चलती और इसका बॉयकॉट नहीं किया जाता है। लोग सिनेमा हॉल नहीं जाते, ये भी तो बहिष्कार है ना। तब कोई सोशल मीडिया अभियान नहीं चलाता और कोई हैशटैग नहीं यूज करता, लेकिन फिल्म फिर भी नहीं चलती। लेकिन हाँ, आत्म मूल्यांकन की जरूरत है, इसका समाधान निकालना होगा। पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्म 83 के बारे में बोलते हुए कहा, नहीं नहीं, अफसोस नहीं होता, मैंने पैसे थोड़ी लगाए हैं फिल्म में। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी प्रतिभा का निवेश किया है। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वो पूरी ईमानदारी के साथ किया और उसके बाद जो होता है वो मेरे हाथ में नहीं है। 83 एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में थे।